अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरफिया फूड एंड मेहंदी। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ गार्लिक स्टफ़ ब्रेड, वो भी तवे पर। जी हाँ, घर पर ही हम विथआउट ओवन के ये ब्रेड बनाएंगे तवे पर। यहाँ पर देखिए कितनी उम्दा तरीके से बनी है। देखिए चीज़ किस तरह से मेल्ट हो गया है, अंदर के स्टफिंग भी किस तरह से अच्छी तरह से बन गई है। सबसे पहले हम एक कटोरी में थोड़े गुनगुने पानी में लुकवाम वाटर में ईस्ट लेंगे, एक चम्मच घोल लेंगे। और एक कटोरे में एक कटोरी मैदा लेंगे, एक चम्मच नमक लेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा नमक डालें, ज़्यादा ना डालें। उसके बाद एक छोटा सा चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद हमने जो ईस्ट घुला कर रखा था, ये ड्राई ईस्ट है, मैंने गुनगुने पानी में घोल कर रखा है, उसको डालेंगे। थोड़ा सा लुकवार्म वाटर ही डालेंगे, गुनगुना पानी आटे में, उसको अच्छी तरह से गून लेंगे आटे को, और आधे घंटे के लिए रख देंगे। स्टफिंग के लिए हम यहाँ पर मैंने गार्लिक को क्रश कर लिया है, उसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे हाफ टीस्पून, एक चम्मच ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं आप, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल है तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी सीड्स डालेंगे और एक छोटा सा चम्मच नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल रेडी है, देखिए किस तरह से फॉर्म हो गया है। हम इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लेंगे, ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा, इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद हम उसको अच्छी तरह से हाथ से भी वो कर लेंगे, फैला लेंगे। उसके बाद हम फोक की मदद से उसमें थोड़े से होल कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। अब हमने जो गार्लिक का पेस्ट तैयार किया था वो लगा देंगे अच्छी तरह से रोटी पर, अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, चम्मच से या ब्रश से आप स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, ये मैंने घर में ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे और एक वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पिज़्ज़ा की रेसिपी में मैंने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी में बताया है। यहाँ पर मैंने ऑनियन और कैप्सिकम कटे हुए डाले हैं और ग्रेटेड चीज़ ऐड करेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे दूसरे साइड। अच्छी तरह से हम उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए आराम से हम प्रेस करेंगे। उसके बाद हम फिर से दोबारा गार्लिक का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, कलौंजी गार्लिक का, वो अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से लगा लें, पूरा कवर होनी चाहिए आपकी ब्रेड। उसके बाद ब्रेड के ऊपर आप नाइफ से इस तरह से कट लगा लेंगे, इस तरह से कट लगा लें ताकि अंदर भी अच्छी तरह से हमारा जो स्टफिंग है वो भी बेक हो जाए। और मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ थोड़े से, अगर आपको तीखा पसंद है तो चिली फ्लेक्स डालें या नहीं तो ना डालें, और ऊपर से थोड़ी कलौंजी। उसके बाद हम सबसे पहले तवा गरम कर लेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे, उसके ऊपर हम ये ब्रेड रखेंगे। अगर तवे पर ये डायरेक्ट ब्रेड रखेंगे तो वो जल जाएगी, इसीलिए तवा थोड़ी देर के लिए अच्छा हीट करने के बाद हम उस पर प्लेट रख के हमारी ब्रेड रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी ब्रेड 15 से 20 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर पकाया है। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से एक साइड हो चुकी है, अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए मैंने पलट लिया है आहिस्ता से, अब हम इसको फिर से 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, ढांक दें प्लेट। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद हमारी गार्लिक चीज़ स्टफ ब्रेड रेडी है। देखिए कितनी अच्छी तरह से सेक चुकी है, बेक हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं।